महादेव का दीवाना हूँ, पवन सिंह का ये गाना 17 घंटे में 2.9 मिलियन यानी कि कुछ ही देर में 3 मिलियन हो जाएंगे और भाई लगता है 24 घंटे आते आते ये गाना 3.2 या 5 मिलियन तो पहुंच ही जाएगा। साथ ही इस गाने को 121K यानी कि 1,21,000 लाइक्स मिले हैं। गाने में अनीशा और पवन सिंह की जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है। साथ ही श्याम सुंदर का जो संगीत है बहुत ही खूबसूरत है और उस पर चार चांद लगाया है अखिलेश कश्यप के गाने ने। जी हाँ, अखिलेश कश्यप का ये गाना शायद खेसारी के पलरे में पड़ता, लेकिन पवन सिंह ने उन्हें ऐन वक्त पर बुला लिया और उनसे कहा कि उनके लिए कुछ गाने लिखने के लिए, और अखिलेश कश्यप ने इतना बेहतरीन गाना उनके लिए लिखा। वैसे ये बम्पर धमाल कमाल का गाना लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। खुद सभी का शुक्रिया अदा पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किया है, साथ ही लोगों का आभार व्यक्त किया है जिस तरह से वो हमेशा करते आते हैं। और तो और इस गाने को पसंद करने वाले में हर एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर बूढ़ा हो, सभी को ये गाना बहुत पसंद आ रहा है। वैसे इसका ऑडियो रिलीज ही जब हुआ था तभी भी ये गाना बहुत लोगों को पसंद आया था और आज इस गाने ने कई रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। एक दिन में अगर किसी का गाना सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाइज आगे बढ़ा है तो वो पवन सिंह का ही गाना है। अब इस गाने को लेकर लोग ये भी कहने लगे हैं कि पवन सिंह ने इसके व्यूज़ बढ़ाए हैं। अब भाई कहने वाले तो कहते रहेंगे, कहने वालों की जुबान को ताला कौन लगा सकता है। ठीक यही बात पवन सिंह के फ़ैन खेसारी लाल यादव के लिए भी कहते हैं जब खेसारी लाल यादव के व्यूज़ आगे बढ़ने लगते हैं किसी गाने के। यहाँ पर तो अच्छे गाने सुनने से मतलब है, अच्छे गाने चाहे वो जिसके भी हों। वैसे इस गाने ने ये बात बता दी कि पवन का दम अभी भी पूरी तरह से म्यूज़िक वर्ल्ड में भोजपुरी के बरकरार है। भोजपुरी जगत की हॉट टॉलेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।